मम्मी आपके बाल खराब कर रही है। मुझे लग रहा है मेरे बाल घूम जा रही हो। मारो चप्पल तेरे मुंह। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं करने वाली हूँ मम्मी का मेकअप, वो भी पुराने जमाने वाला नहीं हो जाम। तो अभी मम्मी गैस करेगी मम्मी को पुराने जमाने का कौन सी एक्टर बनना है। पता नहीं क्या बनाने वाली है मेरे को। तो मम्मी चूज करेगी मम्मी को कौन सा एक्टर बनना है। तो चलो करे रेडी रेडी ऐसे तो कर दो रेडी रेडी। ले 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 कर ले कर ले। So, मेरी मम्मी को आज मैं रेडी करूंगी। बारी कितनी है? अब मम्मी चूज करेगी मम्मी को कौन सी हीरोइन बनना है। बताओ कौन सी हीरोइन बनना चाहोगे आप? मैं कौन सी बनूंगी? हिमालिनी मुमताज। मुमताज मुमताज। तो आज मम्मी को मैं बनाने वाली हूँ मुमताज। तो मम्मी ने चूज कर लिया है मुमताज। तेरी परवाह कर लेती है बनाएंगे हम ये लुक। तो ट्राई करते हैं ये लुक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा मम्मी का। मुझे नहीं लग रहा बनेगा। बन जाएगा आपकी बेटी है ना। करूंगी मैं इतना मोटा शरीर वो आंखों में बिल्कुल चमक गई। ठीक है आपको मैंने दिखा दिया मुमताज का जो लुक है वो हम रिक्रिएट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। वैसे मुझे मेकअप करना खुद भी ढंग से नहीं आता, मतलब वही आपने मेरा मेकअप हमेशा कितना सारा निकाले। क्रीम बचाओ क्रीम बचाओ। अच्छी सी मसाज दे रही है। वाह और गाइस मुझे आईब्रो बनाने भी आती है पता है। मम्मी ने कभी मेरे से आईब्रो नहीं बनवाई। एक दिन बनाई थी मैंने, इतने दर्द हो रहा था मुझे, इसलिए नहीं बनाती मैं इससे। डर लगता है। नहीं बोलते अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर भारी से लगता है। अच्छा अपनी चीज होती है ना लोगों को मुर्गी बराबर लगती नहीं कराना। स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे जो कि खत्म हो चुके हैं बट इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बट ये कंसीलर है ऊपर जो कि वो खत्म हो चुका है और ये है फाउंडेशन। बट हमें सिर्फ ये लगाना है, हमें इनका कोई काम नहीं है। तो हमें सिर्फ ये लगाना है और आई थिंक इसको बोलते कलर करेक्टर। कलर करेक्टर हाँ कलर करेक्टर। अभी मेरा चेहरा देख लो कि अभी मैं कैसे लग रही हूँ। जब मेकअप करी तब देखा मैं कैसे लग रही हूँ। ठीक है जब उंगलियां हैं तो फिर ब्रश का क्या यूज करना, तो हम उंगलियों से कर लेते हैं। एक तो ना बूढ़े लोगों का मेकअप करना इतना डिफिकल्ट है ना। क्या बोल। अब है बारी फाउंडेशन लगाने की। जो बाहर लगा हुआ था बोतल के वो क्यों नहीं यूज करते, वो वहीं सूख जाता है बारी। ये अभी उसको दे अंदर घुस ये अंदर का यहाँ जो बोतल के यहाँ बाहर लगा रहता है ये क्यों पे क्या हो गया फिर भी आ रहा हो। ठीक है सारे बर्बाद करती है ये और रोज मेरे से पैसे मांगती है। यही बताऊंगी मैं रोज मेरे से पैसे मांगती। तुम बोल रहे कमा रही है अभी अंडा कमा रही है। मजाक कर रही हूँ कमा तो रही पर ये अपने पैसे खर्च नहीं करती है। ऊपर ये मेरे से मांगती रहती है क्या करो। ऊपर देना ऊपर ऐसे पटाखे बंद मत करो ना। आप पटाखे ऐसे बंद कर रही हो पूरा तो फिर यहाँ कैसे लगेगा फाउंडेशन। एक तो पूरा आंखें पूरे अंदर घुस रही है। अब बड़े हो गए हैं पैदा भी आपने किया तो टेंशन भी आपको जिंग पे। सॉरी गाइस मैं बहुत काम करती हूँ घर की सफाई झाड़ू। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। दीदी ने 5 बजे उठे ना वो दिन मैं इसके पैर पकड़ लूं। 5 बजे उठेगी है अभी। अभी आपको मैं आपकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी जब तक आपका सारा मेकअप नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी शक्ल देखनी भी नहीं है। ऊपर देखो जैसे आपका मेकअप हो जाएगा ना तब आप बताना आप कैसी लग रही हो। ठीक है होती है अब। अरे भाई आपको कुछ नहीं बता भी। मम्मी
नहीं मैं अकेले नहीं जाना। बस उठ गया यार, कितना कर दिया। अरे यार थोड़ा बहुत तो चाहिए ही। मैं तो आईब्रो भी नहीं बना सकती। तभी बोला आपके जंगल जैसे आईब्रो की और की। मुझे कहीं जाना होगा तभी बनाते। तो मैंने मम्मी की मस्कारा से सेट किया भी आईब्रो, क्योंकि मम्मी ने बिल्कुल भी आईब्रो नहीं बनवा रखी है। तभी लगाने वाले हम आई लाइनर। आंख बंद करके रखना है, बहुत ही लाते हो आप आंख। इतनी सुंदर कैसे बनने जा रही हो? पूछ मत, पापा कहीं बेहोश ना हो जाए मुझे देख के। बोलेंगे रज्जू वाह डार्लिंग आई लव यू। पापा ने आज से मम्मी को मैं आज से आई लव यू नहीं बोला ना। पापा आई लव यू बोले पापा का कॉल पे बोला मम्मी ने। कब? आई लव यू डार्लिंग। हाँ कभी नहीं बोला होगा। और यार आपकी लाइनर खराब हो गया। आई लव यू पापा कभी नहीं बोले। कभी नहीं बोला पापा ने यहाँ सच में सामने सामने क्या पापा ने कभी नहीं बोला। नहीं पापा कभी नहीं बोला। कभी ऐसे नहीं बोला खूबसूरत लग रही है आज। नहीं तो सच में हमारी कसम। नहीं बोला हमारी कसम है ना। हमारी कसम कभी नहीं बोला कि अच्छी लग रही है। नहीं कभी नहीं बोला पापा ने। वाह भाई ये भी एक गम है। ये भी एक गम है। ये भी मेरे को एक गम है। अभी बोलते पापा को आन दो पापा को आज। आपने बोला तो मैंने। हाँ मैंने नहीं बोला। जब वही नहीं बोलता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। गाइस सो ये इसको बोलते हैं अरेंज मैरिज। मुझे लग रहा है नहीं करता प्यार। मेरा प्यार करे इतने सारे बच्चे। अभी बाबा ब्लॉग देंगे ना पता क्या बोलेंगे। ये क्या पकड़े तो। सॉरी बाबा बड़ा आपको आपने नहीं बोला तो दुनिया को पता चलना चाहिए आपने आई लव यू नहीं बोला। आप पापा अगले दिन ही मम्मी को आई लव यू बोलेंगे। पापा नहीं बोला ये भी नहीं बोला खूबसूरत है तू खूबसूरत हूँ मैं। मेरे मैं मुझे गाना गाना नहीं आता ना। तो मैं आपको क्लोजअप लुक लगा दिखाती हूँ। मैं ऐसे रहना ठीक है तो आप क्लोजअप लुक देख सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा है सही लगा एकदम। ऐसे ऊपर देखो इतना ऊपर नहीं देखना भी थोड़ा सा। हाँ ऐसे करो। बेकरार करके हमें यूं न जाइए। बाते मम्मी का ब्लश। आपको हमारी कसम लौट आई। तो गाइस अभी मम्मी का मेकअप अभी इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अब आगे जो हेयर स्टाइल है वो बनाते हैं। फिर मम्मी को दिखाएंगे मम्मी का मेकअप। मैं सफेद बाल दिखाई क्या उधर बुढ़िया हो रही हो तो सफेद बाल तो दिखेंगे ना। पर ऐसे नहीं है वो हेयर स्टाइल ऐसे नहीं है। ऐसे आगे से बाल निकाल लो उसने। मुझे नहीं आ रहा कुछ। नहीं कर लूंगी मैं। करियो खुशी यार मतलब ऐसे कुछ क्या ऑर्डर ही तो नहीं बारी में बुखार देना तो आज तक टकला हो गया भैया। पापा ने दोनों में ये बीवी एक जैसे तुम ही कंफ्यूज हो जाए कौन मामी कौन पापा। मेरे फेमस कपल नाना टकलन से नाना छोड़ो आगे। मम्मी आपके बाल खराब कर। मुझे लग रही मेरे बाल घूम जा रही हूँ। मारो चप्पल चलो चल मैं बना बनाती हूँ। करके हमें यूं न जाइए आप दे रबर दे चल मैं बांध रही हूँ रबर लो दिखाना आगे से। तो ये मम्मी कैसी लग रही है मम्मी आपको पुराने जमाने की सफेद बाल लग रहे दिख रहे हैं। क्या तो कर रही है दिखेंगे जब आप बुढ़िया हो चुकी हो तो। हमारी कसम लौट आई। अब मम्मी को पहनाते हैं मम्मी का गले का क्योंकि सेम बिट्टू तो है नहीं हमारे पास तो ये पहनाते हैं।
पागल जैसे। थैंक यू, शुक्रिया। गाइस सीरियसली अपने ऑनेस्ट रिएक्शन दो, मम्मी सच में कैसी लग रही है? इसने मुझे लग रही है कि नहीं लग रही है सुंदर? नहीं सुंदर तो मुझे कहीं नहीं लग रही है। नहीं लग रही? कितनी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है आप, अच्छी लग रही। चलो आप दीक्षु के रिएक्शन देखते हैं। दीक्षु मेरी मुमताज आ गई। चलो अब बनाएंगे। कैसे रही मम्मी? बेवकूफ लग रही ना? मजाक कर रही हूँ आपको, मार खाने वाली मैं। नहीं सच में अच्छी लग रही हूँ। देखो कैसी लग रही हो, गंदी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो, मुमताज लग रही हो। मुमताज तो गाइस पापा नहीं आ रहे, पापा को ऑफिस में कुछ काम है तो वो ये रिएक्शन ले नहीं पा रही हूँ मैं। तो आपको मम्मी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, है ना? जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही, पागल लग रही हूँ? नहीं पागल तो नहीं लग रही, सच में अच्छी लग रही है आप। तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको आपको अब ये वाली वीडियो दीक्षु के साथ चाहिए और कौन सी आपको आप चाहते हो मैं किसका रिक्रिएट करूँ लुक, तो कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो क्या कहना मम्मी? लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। चलो गाइस बाय बाय।